हेलो दोस्तों, मैं हूं शालिम रजव और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात आज तक। दोस्तों, पुनाना विधानसभा क्षेत्र के गांव लुहिंगा और पिपरोली से बड़ी ही दुखद खबर प्रकाश में आ रही है। जी हां दोस्तों, लुहिंगा और पिपरोली के बीच एक नहर बह रही है, जहां पर जिस वक्त नहर बनाई गई थी वहां पर एक मशीन दुर्भाग्यवश खराब हो गई थी, लेकिन वो मशीन निर्माण कार्य करने वालों ने वहीं पर छोड़ दी, जिस पर पिपरोली और लुहिंगा कला के युवा चढ़कर उड़ते हैं और गोते मारते हैं और नहाते हैं। उसकी ऊंचाई तकरीबन 70 फुट से ज्यादा बताई जा रही है। हमें सूत्रों से पता चला है कि वहां पर गांव गंगवानी का एक लड़का नहाने आया था, वो भी दूसरों की तरह उस हपस पर यानी कि उस मशीन पर चढ़ता है और 70 फुट ऊपर से उस नहर में कूदता है, जिससे दुर्भाग्यवश उसे गंभीर चोट लग जाती है, या फिर मैं यूं कहूं कि वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दोस्तों, हमें सूत्रों से पता चला है कि वहां पर जैसे ही लुहिंगा कला और पिपरोली के लोगों को इस खबर की इत्तला मिलती है तो वो वहां पर पहुंच जाते हैं और दोनों ही गांव के लोगों में मातम पसर जाता है। और तो वो लड़का नहर में डूबने के कुछ देर पश्चात वापस ऊपर आता है, जिससे वो ग्रामीण उस लड़के को वहां से निकालते हैं। मौके पर पुनहाना पुलिस प्रशासन भी पहुंच जाता है, जिससे उस लड़के को वहां से निकालकर घर लाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें सूत्रों से पता चला है कि वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, वो लड़का वहां पर एंजॉय करने के लिए या फिर मैं यूं कहूं कि आनंद लेने के लिए गया था, लेकिन आनंद लेने के चक्कर में उसे अपनी हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी को खोना पड़ा। दोस्तों, ऐसी वारदातें मेवात इलाके से लगातार सामने आ रही हैं, चाहे वो गड्ढों को लेकर हो या फिर पहाड़ की खानों को लेकर। ऐसा ही ये मामला लुहिंगा पिपरोली गांव का है। अभी हमारी टीम इसकी जांच में जुटी हुई है। दोस्तों, जैसे ही हमें आगे किसी जानकारी का पता चलेगा तो हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हम आपको वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश भी जरूर करेंगे। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे कैसे ही ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।